भारतीय जनता पार्टी के माजी केंद्रीय मंत्री और माजी सांसद कपिल पाटिल जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुमित पाटिल ने कपिल पाटिल फाउंडेशन के माध्यम से महिलाओं को मुख्यमंत्री माजी लाड़की बहन योजना, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये मिलेंगे, इसका फॉर्म पंजीकरण किस तरह से करना है, उसका महिलाओं को असुविधा ना हो इसके लिए पद्मनगर अपने जनसंपर्क कार्यालय के बाजू में पद्मशाली समाज युवक मंडल के ऑफिस में कैंप बड़ी योजना की है। महिलाओं के लिए 15 दिन तक यह मुख्यमंत्री माजी लाड़की बहन योजना पंजीकरण चलेगी। जिस किसी को भी फॉर्म भरना है तो उसका पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता सुमित पाटिल के कार्यकर्ता करेंगे। आज मुख्यमंत्री माजी लाड़की बहन योजना के फॉर्म पंजीकरण सहायता केंद्र का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के नेता सुमित पाटिल ने अखिल पद्मशाली समाज भिवंडी के अध्यक्ष रामकृष्ण पुट्टपत्नी जी के हाथों से रिबिन कट करके प्रारंभ किए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बालकिशन कल्याणप, के कोंका मल्लेशम, एस मल्लेशम, विशाल पाटारे, राजेंद्र वासम व आदि लोग उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुमित पाटिल और अखिल पद्मश्री समाज भिवंडी के अध्यक्ष रामकृष्ण पुट्टपत्नी जी ने भिवंडी और पद्मनगर के महिलाओं को आह्वान किए कि मुख्यमंत्री माजी लाड़की बहन योजना पंजीकरण करवा के ले। हर महीना आपको 1500 रुपये मिलेगा, आपका परिवार को सहायता मिलेगी और हर महिला अपने खुद के पैर पे खड़ी हो जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी ने महिलाओं के लिए जो योजना बनाई उसके लिए मैं अपने दिल से धन्यवाद करता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। तो देर किस बात की, सभी महिलाएं मुख्यमंत्री माजी लाड़की बहन योजना पंजीकरण फॉर्म पद्मनगर भारतीय जनता पार्टी के नेता सुमित पाटिल के कार्यालय के बाजू में भरा जा रहा है, उसका सभी लोग लाभ लें। मुख्यमंत्री माजी लाडली बहन योजना के इस शिविर के लिए उपस्थित तुम्हारे हमारे सभी के लाडले अखिल पद्मशाली समाज के अध्यक्ष पुट्टपत्ति निसर जी, सम्माननीय मंच और सामने बैठे हुए मेरे सभी लाडली बहनों, प्रथम तो मैं राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, हमारे लाडले उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी और माननीय उप मुख्यमंत्री अजीतदादा पवार, इन तीनों का धन्यवाद देता हूँ कि आपने जैसे कोंका जी ने कहा कि जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो स्कीम चलता था वैसी स्कीम अभी महाराष्ट्र की एक गवर्नमेंट ने हमारी लाडली बहन योजना के तहत जो पूरे महाराष्ट्र में आप देखोगे एक अच्छा माहौल, विशेषतः महिलाओं के लिए एक अच्छा पैकेज देने का काम इस सरकार ने किया, तो प्रथम तो मैं इस सरकार का धन्यवाद देता हूँ। और कैबिनेट में जिस दिन ये योजना मंजूर हुई उसी दिन मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना भी उसी दिन मंजूर हुई, उसी दिन मुख्यमंत्री युवा कार्य शिक्षण योजना भी मंजूर हुई, उसी दिन लेक लाड़की योजना वो भी वहाँ पे मंजूर हुई, उसी तरह महिलाओं के लिए ई रिक्शा, जो ऑरेंज कलर की रिक्शा आप थाना में भिवंडी में अगर जाते रहोगे तो ऑरेंज कलर की जो ऑटो घूम रहे वो भी इस योजना में उसका आप लोग लाभ ले सकते हैं। जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो ई रिक्शा जो जिसके लिए सरकार एक 80,000 रुपये का पैकेज देने वाली है, तो आप लोग उसका भी एप्लीकेशन यहाँ पर कर सकते हो। जिनको महिला बचत गट है, महिला बचत गट के लिए विशेष तरतूद राज्य सरकार ने यहाँ पे की है, जिनके महिला बचत गट है उन्होंने भी ये स्कीम की जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले बचत गट को जो अमाउंट आती थी वो सफिशेंट नहीं थी, जिसमें बहुत सारे बचत गटों का काम नहीं होता था, जो लोन का सब्जेक्ट हमेशा आता था, जितना लोन मिलता था उसमें वो लघु उद्योग नहीं कर पाती थी, लेकिन अभी सरकार ने उसमें भी क्राइटेरिया चेंज करके महिलाओं को ज़्यादा लोन देने का काम ये कैबिनेट में जो बैठक हुई उसमें किया है। तो मैं आप सभी बहनों के तरफ से मैं राज्य सरकार का धन्यवाद देता हूँ और आज यहाँ पे
ये स्कीम का एक छोटा सा कार्यक्रम हमारे माननीय अध्यक्ष जी के उपस्थिति में हम लोगों ने यहाँ पे किया, तो एक अच्छा माहौल पद्मनगर में अपने को देखने को मिला है। जब से ये योजना महाराष्ट्र में लागू हुई तब से लोग तहसीलदार प्रांत ऑफिस में घूम रहे, उत्पन्न का दाखला निकालने के लिए, डोमेसियल का दाखला निकालने के लिए, तो बहुत सारे क्राइटेरिया इसमें थी कि लोगों को परेशानी हो रही थी। जैसे नोटबंदी के टाइम में अपन देख रहे थे कि लोग बैंकों में जैसे लाइन लगा के बैठे थे, वैसे ही प्रांत ऑफिस और तहसीलदार ऑफिस में लाइन लगा के लोग, विशेषतः महिलाएं खड़ी थी। तो राज्य सरकार ने तुरंत जो क्राइटेरिया था डोमेसियल और उत्पन्न का दाखला वो कैंसिल किया। उसके बाद में ये जो 15 तारीख थी, 15 तारीख की, अगस्त 15 तारीख की, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो लोगों को लगता था कि 15 जुलाई से पहले अपने को फॉर्म भरना है और वो फिलअप करना है, लेकिन अभी उसकी भी डेट बढ़ा के 2 महीना एक्स्ट्रा कर दिया है। तो मैं मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे और हमारे देवेंद्र जी फडणवीस और अजीत दादा पवार इनका धन्यवाद देता हूँ। और आज पद्मनगर में ये शिविर चालू हुआ है, ये शिविर सिर्फ 15 दिन के लिए नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जिनको भी जैसे भी यहाँ पे आना है और ये फॉर्म भरना है, उसके बाद ऑनलाइन भी अपलोड यहाँ पे, इससे पहले नहीं था, इससे पहले ऑनलाइन अपलोड आंगनवाड़ी सेविकाओं को ही जो एप्लीकेशन दिया था, उसके बाद प्रभाग समिति के जो अधिकारी है उन लोगों को ही दिया था, लेकिन अभी आम आदमी भी ये एप्लीकेशन हैंडल करके उसमें अपलोड कर सकता है। तो ये अपन 2 फॉर्म यहाँ पे रखे, एक फिजिकली भी अपन भर सकते हैं और ऑनलाइन भी भर सकते हैं, तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सुविधा यहाँ पे हम लोगों ने रखी है। एक चौकशी के कक्ष वहाँ पे रखा है, जिसको जिसको पेपर कम है तो वहाँ पे यहाँ पे बोला जाएगा कि आपका फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा। टोकन नंबर देने के बाद जो जो पेपर आपके पास कम है, वो अगर 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद या 15 दिन के बाद आप लोगों ने वापस यहाँ पे ला के दी, तो ऑनलाइन अपलोड आपका यहाँ से हो जाएगा। तो आप लोग चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ वहाँ पे घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा कार्यालय यहाँ पे हमारे नगर चौक के जी है, हम लोग सब के सहयोग से आज यहाँ पे ये कैंप का उद्घाटन हुआ, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, और विशेषतः महिलाओं को कि कोई गर्दी गड़बड़ करने की जरूरत नहीं, जिसका नंबर आएगा उनका फॉर्म, 5-6 लोग यहाँ पे बैठेंगे और आराम से फॉर्म भर के लेंगे। जिनके पास पेपर नहीं रहेगा वो लिख के देंगे कि आपके पास पेपर नहीं, तो आप 2-4 दिन के बाद वापिस आके यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। तो ये तारीख अभी अगस्त तक है, आपको कोई बोलेगा कि ये तारीख इधर तक ही है या कोई पेपर डॉक्यूमेंट्स क्या, यहाँ पे बहुत सारे भिवंडी में जैसे ही ये योजना लागू हुई तो दलाल लोग घूमने लगे कि हम लोग आपको इतने में करवा के देंगे, इसका इतना चार्जेस होएगा। तो मुख्यमंत्री जी ने कल के अधिवेशन में भी कहा कि जैसे भी आपको लगा कि ये अगर आपके से कोई पैसा लेता है योजना का, तो आप तुरंत कंप्लेंट कीजिए, उसके ऊपर एक्शन होगा। तो आपको मैं विनंती करता हूँ कि ऐसा कोई भी कांड यहाँ पे या कोई भी आदमी पूरे पद्मनगर में नहीं, भिवंडी में, आपको लगेगा कि ये लोग पैसा लेके ये फॉर्म भरवा रहे, तो आप लोग हमारे से संपर्क कर सकते, हमको कंप्लेन कर सकते, और उसको जो भी कंप्लेन हम लोगों को करना है हम लोग वहाँ पे करेंगे, और उसको उसकी जो कीमत भरनी पड़ेगी वो उसको पता चलेगा बाद में। तो लोगों को, गरीब लोगों को जो कल्याणकारी योजना राज्य सरकार ने यहाँ पे दी है, तो मैं राज्य सरकार का इस मंच के तरफ से